हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। क्या अली अब्बास जफर धूम 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या है न्यूज़। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शाहरुख खान से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और भी बॉलीवुड से टॉलीवुड से जुड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि अली अब्बास जफर ईशान कट्टर के साथ फिल्म करेंगे, और मुझे बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि ईशान कट्टर के साथ अगर अली अब्बास जफर फिल्म करते हैं तो धूम 4 को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि धूम 4 से जुड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ कि मैंने किसी ने मुझे कमेंट पर पूछा, उसके बाद मैंने सर्च किया तो ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि अली अब्बास जफर और ईशान कट्टर की फिल्म आने वाली है। ये जस्ट एक र्यूमर से अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो ईशान कट्टर के साथ अली अब्बास जफर की फिल्म आने वाली है, अली अब्बास जफर उस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, अली अब्बास जफर ईशान कट्टर की फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, उस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अली अब्बास जफर अब प्रोड्यूसर बनने वाले, उस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे अली अब्बास जफर, ये र्यूमर्स में बताया जा रहा है। बट कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, सारी बातें र्यूमर्स है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है कि धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर, उस फिल्म को ईशान कट्टर की फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक।